अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। दोस्तों मेरा नाम है विकास अहमद, आप देख रहे हैं हंटर्स ट्रेल की एक और वीडियो। दोस्तों आज आपका भाई लेकर आया है एक टारगेट शूटिंग वीडियो, और आज हमारे पास जो गन है वो है P15 ब्लैक लीवर में, और इस गन के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। और आज हमने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की है, आज हमने इसके साथ क्रोनोग्राफ अटैच किया V2, तो इससे हम आज FPS भी चेक करेंगे। कह लें कि अब तक जितनी मैं वीडियो बना चुका हूँ किसी में भी मैंने FPS शो नहीं करवाए, तो इंशाल्लाह अब इसमें हम FPS भी शो करवाएंगे। तो दोस्तों हम आज कुछ पैलेट और एक स्लग हमारे पास आए हैं, तो हम उसको भी टेस्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास GSP हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद है MHF, ये है 19.3 ग्रेन मेड इन पाकिस्तान। उसके अलावा फाल्कन स्लग का रिज़ल्ट मेरी Falcon 3 के ऊपर बहुत अच्छा आ रहा है, और अभी हमने इसके स्लग मंगवाए थे 19 ग्रेन के समथिंग, यही वेट था इनका, ऊपर इसके अंदर लिखा भी है 19 ग्रेन के स्लग हैं। तो इसको हम टेस्ट करेंगे 45 यार्ड के ऊपर ना, तो देखते हैं इन तीनों में से रिज़ल्ट किसका अच्छा है। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो हम इन फ्यूचर इसको भी यूज़ करेंगे हंटिंग में। तो सीज़न से पहले पहले हम हर चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अभी बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और सबसे पहले हम करते हैं अपने GSP 18.13 ग्रेन इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे फाल्कन स्लग। तो MHF की वीडियो आपने लास्ट टाइम देख ली थी P10 के ऊपर, तो इसको लास्ट पे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, पहले एक ड्राई फायर ज़रूरी है ताकि। तो दोस्तों 10-10 पैलेट का ग्रुप होगा 45 यार्ड के ऊपर। मैंने कहा बहुत कंजूसी कर ली, तो अब ना ज़रा शाह खची दिखाई जाए। गन ज़ीरो नहीं है, तो इस वजह से हम जैसी है वैसे ही इसको यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट पैलेट हम फाइट करने लगे हैं GSP 18.13 ग्रेन का। दोस्तों इसका तो अभी हमने टेस्ट कर लिया जी, अब हम करते हैं अपने स्लग को टेस्ट कि स्लग की परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों स्लग का वेट है 19 ग्रेन के स्लग हैं, और इनका हेड साइज़ है 218। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, और बिस्मिल्लाह
दोस्तों हमारा पहला शॉट। ये राइट साइड को लगा हमारा पहला शॉट। ये फ्लाइट था। दोस्तों लास्ट स्लग हमारा फाल्कन का 19 ग्रेन। दोस्तों हमने स्लग चला लिए, अब आते हैं MHF की तरफ। 19.3 ग्रेन, इसको टेस्ट करते हैं। जो क्रोनोग्राफ है ये एम्प्टी मैगजीन दे रहा है, क्योंकि इसमें एक अंदर ऑप्शन होती है कि आपके कितने राउंड की मैगजीन है, तो मैंने गलती से 12 किए हुए हैं, उसकी सेटिंग अब मैंने ठीक नहीं की, तो खैर नेक्स्ट टाइम इसको भी ख़त्म करेंगे। तो हमारा लास्ट ग्रुप MHF के थ्रू। दोस्तों इस पे कोई निशान नहीं है प्रॉपर, इसको मैं एक निशान लगा लूं। ये एक पैलेट का हमारा निशान होगा, तो फिर उसको शूट करेंगे। दोस्तों ये हमारा पहला शॉट MHF के थ्रू।
833. Last bullet. Empty magazine. 837. दोस्तों हमारा लास्ट पैलेट MHF 19.13 ग्रेन का मेड इन पाकिस्तान। तो दोस्तों अभी हमने तीनों जो हमारे पास एमओ थी वो हमने टेस्ट कर ली है। सबसे पहले GSP हमने टेस्ट किया, उसके बाद हमने जो फाल्कन स्लग टेस्ट किए, उसके बाद लास्ट पे हमने MHF टेस्ट किया। अब इसके क्लोज जाके चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो मुझे अपना मोबाइल उतारना होगा ये वाला, तो फिर जाके टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब जा रहे हैं हम अपने टारगेट की तरफ। ओ तेरी खैर, ये दोस्तों मेरी हवेली का नज़ारा है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टारगेट के पास जहाँ हमने शॉट किया। तो ये हमारा है GSP 18613 ग्रेन का, ये छोटा सा निशान हमारा टारगेट था। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा नाखून है, तो ये नाखून से भी छोटा है। और ये जो आसपास कलर उतरा हुआ है ये शॉट लगने के बाद जो लेड होती है, लेड फैलती है तो उसकी वजह से ये उतरता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं इसका, ये मैक्सिमम हाफ इंच है। तो मेरे पास वर्नियर नहीं आज, ये तो मैं टेस्ट लाजमी करता। उसके बाद हमने स्लग टेस्ट की, तो ये हमारा स्लग है। तो दोस्तों आप इसके निशान बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, इसकी वजह क्या है कि स्लग के लिहाज से FPS बहुत कम मिल रहे थे हमें, 820-25 FPS थे। अगर FPS इंक्रीज़ किए जाएँ, मतलब कि 880-890 के आसपास, तो रिज़ल्ट हमारा बहुत बेहतर हो सकता है। तो स्लग में ये चीज़ पाई जाती है कि रिज़ल्ट लेने के लिए आपको FPS ज़्यादा चाहिए होते हैं बनिस्बत पैलेट के। बाद मेड इन पाकिस्तान, ये हमारा पहला शॉट जो हमने टारगेट लिया था। टारगेट के बाद ये 10 पैलेट का ग्रुप है हमारा MHF मेड इन पाकिस्तान। तो आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बाकी 3 मेघा पैलेट इसके आसपास लगे हैं, 10 पैलेट का ग्रुप है ये। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आपके भाई ने तीन जो हमारे ब्रांड थे वो मैंने टेस्ट किए, और मेरा हमेशा से फेवरेट GSP, ऑल टाइम फेवरेट। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। चाहे आप लोग कहें कि यार ये घोड़ों की चीज़ें हैं, ये है वो है, तो लेकिन वेल एंड गुड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमने फाल्कन टेस्ट किए, तो बहुत अच्छा, मतलब कि इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन अगर इसके FPS थोड़े इंक्रीज़ किए जाएँ, बैरल थोड़ी सी लंबी हो, तो रिज़ल्ट इसके थ्रू मिल सकता है। क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन होता है वो FPS ज़्यादा लेता है, और इस वजह से इसके FPS भी थोड़े कम थे, 920-25 आ रहे थे। तो उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप ये लिया, उसके बाद MHF, बल्कि पाकिस्तानी लिहाज से इसका भी ग्रुप ठीक था। तो बाकी आप बताएं ग्रुप कैसा लगा। ये हमारी जो सेटअप, नया सेटअप था हमारा P15 का, और इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई गई। तो इसको मैंने ट्यून करवाया था अपने एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे काफ़ी, उनसे मैं 4-5 साल से काम करवा रहा हूँ, उनका नाम है मिर्ज़ा मदस्सा चविंडा से। तो मैं उनकी तस्वीर और उनका नंबर भी मैं लगा दूंगा, अगर किसी ने ट्यून करवानी हो
तो बहुत मुनासिब चार्जेस में आप उनसे ट्यून करवा सकते हैं। तो उनके साथ मैं लास्ट टाइम एक छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड भी की थी, वो इसी वीडियो में मैं लगा भी दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसमें उनका नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन था। तो बाकी आज मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप अभी आके थोड़ी धूप हुई है, सुबह हबस थी लेकिन मौसम ठंडा था काफ़ी ज़्यादा, तो धूप वगैरह का सीन नहीं था। तो मेरे पास टाइम था, मैं कहा चलो यार ग्रुप टेस्ट करते हैं, तो कोई रेडी शेडी नहीं हुआ। तो मैं सुबह उठा हूँ, वॉशरूम गया हूँ, तो मुँह शुद्ध धोया, फ्रेश हुआ हूँ, तो इधर आ गया हूँ। तो बाकी अपने दोस्त भाई विकास से मेरे को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, टाटा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई विकास अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा मुदस्सर साहब। तो इनके पास अब आए थे, अपनी पीटन को थोड़ा मॉडिफाई करवाया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या कुछ करवाया। हमने ट्यून करवाया इस गन को, और इसके साथ साथ दोस्तों हमने मेरे पास ना सेंसर था जो पीटन के ऊपर लगता था, हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद इसको अपनी पी पताना के ऊपर करवाया है, और ये एडजस्टेबल है, हम इसको उतार के पीटन के ऊपर भी लगा सकते हैं और बहुत ही मुनासिब चार्जेस में। उसके बाद मैंने अपने वालकम का टेस्टर और उसकी प्राइस वो बाद की बात है। तो दोस्तों बताना का मकसद ये है, किसी भाई ने अगर तैयार करवानी हो तो बहुत ट्रस्टेबल और मेरी वारंटी के साथ आप मुदस्सर भाई से करवा सकते हैं, और मैं किसी और का कभी रेफर नहीं किया ग्रुप में, आप सब भाइयों को पता है। तो मैं नंबर ही मैंशन कर दूँगा वीडियो में भी, और वैसे भी किसी ने अगर कोई चीज़ ट्यून करवानी हो, बनवानी हो, तो मिर्ज़ा भाई से रब्ता कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह ताला जो भी भेजेगा काम इंशाल्लाह गारंटी से होगा और रीजनेबल प्राइस में होगा। इंशाल्लाह शुक्रिया, ओके।